दस की कीमत चुकानी पड़ती है, ये संदेश पूरी दुनिया में चला गया। और मित्रों आज देखिए, पहले देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाते थे, कुछ नहीं होता था। आज मोदी जी जाते हैं, रशिया जाते हैं, जापान जाते हैं, चीन जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, फ्रांस जाते हैं, बर्लिन जाते हैं, लंका जाते हैं, नेपाल जाते हैं, भूटान जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, हजारों हजारों की भीड़ एयरपोर्ट पर मोदी 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 के नारे लगाती है। और कांग्रेस वालों के पेट में दर्द होता है, वो कह रहे हैं मोदी जी इतना क्यों घूम रहे हैं। भैया ये मोदी मोदी के नारे जो दिख रहे हैं ना, वो नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान का सम्मान नहीं है। ये मोदी मोदी के नारे जत सांगली महाराष्ट्र और देश के 125 करोड़ लोगों का सम्मान है, 125 करोड़ लोगों को दुनिया आज स्वागत कर रही है। मोदी जी के कारण देश का सम्मान दुनिया में बढ़ा है। अभी अभी आप सबने अमेरिका के अंदर हाउडी मोदी का कार्यक्रम देखा होगा, कितने लोगों ने देखा था भैया, हाथ ऊपर करो जरा, देखा था ना सबने। जैसे ही राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप मंच पर चढ़े, उन्होंने कहा, बोले बगड़ नहीं रह पाए कि नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय बड़ा प्रधान है, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मित्रों आज ये स्थिति देश की लाने का काम नरेंद्र मोदी जी की ना, पहले ही सत्र के अंदर ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया। मुझे बताओ सांगली वालों, ट्रिपल तलाक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जोर से बोलो, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये कांग्रेस और एनसी ना बोलते, पहले ही सत्र के अंदर कश्मीर से धारा 370 उखाड़ कर फेंक दी, उखाड़ कर फेंकनी चाहिए या नहीं फेंकनी चाहिए, जोर से बोलो, फेंकनी चाहिए नहीं फेंकनी चाहिए। 35A को उखाड़ दिया मित्रों, और नरेंद्र मोदी जी ने एक सुरक्षित भारत का निर्माण करने का काम किया है, और देवेंद्र फडणवीस ने एक विकसित महाराष्ट्र बनाने का काम किया है। मित्रों आज मैं यहां आया हूं, देवेंद्र जी मुझसे आयु में छोटे हैं, मगर मैं कहना चाहता हूं, मैंने देवेंद्र फडणवीस जैसा मुख्यमंत्री कभी नहीं देखा जो दिन रात महाराष्ट्र की जनता की चिंता। रात को 12 बजे फोन आता है किसी मुख्यमंत्री का, तो मैं समझ जाता हूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का फोन होगा, उसके मन में महाराष्ट्र का किसान, महाराष्ट्र का युवा, महाराष्ट्र का उद्योग, महाराष्ट्र की कृषि, महाराष्ट्र की सहकारिता, ये सारी चीजें उसको सोने नहीं देती, और इसी के कारण आज महाराष्ट्र बहुत आगे बढ़ा है। 70 साल में 32 लाख हेक्टर सिंचाई हुई थी, ये 5 साल में 40 लाख हेक्टर तक पहुंचाने का काम देवेंद्र फडणवीस ने किया है। मित्रों ढेर सारे आंकड़े में देखता हूं, आश्चर्यचकित रह जाता हूं, चाहे रोड बनाने की बात हो, सिंचाई बढ़ाने की बात हो, जलयुक्त सिवार बनाने की बात हो, कोऑपरेटिव क्षेत्र को बचाने की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। मित्रों आज मैं जत विधानसभा में हमारे प्रत्याशी श्री विलास राव जी, विलास राव जी आगे आइए, विलास राव जी जगताप को आगे आओ, आगे आओ विलास राव जी, आगे आओ विलास राव जी को जिताने की अपील करने आया हूं। मित्रों आप समझ कर रखना, विलास राव के नाम के सामने कमल के निशान पर जो थप्पा लगाते हो, वो थप्पा नरेंद्र मोदी को मजबूत करने के लिए काम में आने वाला है, नरेंद्र मोदी को मजबूत करने वाला, वो थप्पा फिर से देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनाने के लिए काम में आने वाला है, वो थप्पा वो सिक्का महाराष्ट्र को देश का नंबर एक राज्य बनाने के लिए काम में आने वाला है। मित्रों ये काम में आने वाला है,
एनसीपी और कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार, परिवारवादी सरकार से फिर से एक बार मुक्ति प्राप्त करने का आपका अधिकार है। अपने बेटियां, बेटे, भतीजे, दामाद, ये सब मैदान में उतार दिए और महाराष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार की एक नीचे तक गंदगी फैला दी। वो भ्रष्टाचार से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करने आई है। मित्रों, मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में फिर से एक बार देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाइए। ऊपर नरेंद्र, नीचे देवेंद्र, ये डबल डेकर सरकार महाराष्ट्र को पूरे देश में नंबर एक बनाकर छोड़ेगी, इसका मुझे भरोसा है। मुझे बताओ, आप हमारे विलासराव जगताप को जिताओगे क्या? हाथ ऊपर कर बोलो, जिताओगे? मगर जिताओगे तो ये कोई 15-20 हजार लोगों से जीत जाएंगे? विलासराव जीत सकते हैं क्या? मुझे भी मालूम है नहीं जीत सकते। क्या करोगे भाई, बोलो क्या करोगे? एक रास्ता बताऊं मैं? बताऊं? कितने लोगों के पास मोबाइल है? हाथ ऊपर करो जरा। माताएं बहनें भी करें हाथ ऊपर। सबके पास है ना मोबाइल? ये सभा समाप्त होते ही अपने 50 स्नेही जनों को, दोस्तों को, सगे संबंधियों को फोन करना है।